हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्वांट स्टडी। आज हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक। तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो ये कुछ टाइप्स हैं। तो हम ये सारी ही टाइप्स के क्वेश्चंस देखेंगे। ये वीडियो कोडिंग डिकोडिंग पार्ट वन है, तो इसमें हम फर्स्ट टू टाइप्स देखेंगे, लेटर टू लेटर और लेटर टू नंबर। बाकी की तीन टाइप्स पार्ट टू में देखेंगे। तो पहले इनमें यूज़ होने वाले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं एंड देन वी विल सॉल्व क्वेश्चंस। तो जो फर्स्ट टाइप है लेटर टू लेटर, उसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह आ सकता है कि एक वर्ड गिवन होगा, सपोज बैट, और उसको कोड करके कुछ लेटर्स या नंबर दे देंगे। आपको इस कोड का लॉजिक समझना है, यानी कि उसको डी कोड करना है और इसी लॉजिक को किसी दूसरे वर्ड पर लगा के उसको कोड करना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर बैट का कोड जो है वो हमें दिया गया है DCV, तो इसको डीकोड करते हैं, ठीक है। तो इसको डीकोड करना है, उसके लिए सबसे पहले हम ये चीज़ समझेंगे कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं ए से लेके जेड तक, ये होते हैं टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स, और इन अल्फ़ाबेट्स को इनकी पोजीशन के हिसाब से नंबरिंग दी जाती है। जैसे ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3 एंड सो ऑन, और जेड के लिए 26। सो लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। बी को कोड करके डी लिखा गया है, यानी बी की जो पोजीशन होती है वो होती है 2, ए की पोजीशन होती है 1 और टी की पोजीशन होती है 20, ठीक है। और जो कोड दिया गया है उसमें अगर देखा जाए तो डी की जो पोजीशन है वो है 4, सी की पोजीशन होती है 3 और वी की पोजीशन आप यहाँ से देख सकते हैं होती है 22। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ क्या किया गया है, हर एक अल्फ़ाबेट के कोड के लिए दो पोजीशंस आगे बढ़ाई गई हैं। सेकंड पोजीशन का बी था तो फोर्थ पोजीशन का डी लिख दिया उसकी जगह, यानी बी से हम दो एलिमेंट्स आगे चले गए। उसी तरह से ए के कोड के लिए क्या किया गया है, ए से भी दो प्लेसेस आगे गए। सिमिलरली टी के लिए भी हम दो पोजीशन आगे चले गए और टी का कोड लिख दिया वी। तो ये बिल्कुल बेसिक कोड था, पोजीशन के हिसाब से दो पोजीशन आगे का अल्फ़ाबेट जो है वो लिख के कोड बनाया गया है। इसी लॉजिक से अगर हम मैन वर्ड का कोड बनाना चाहें तो क्या होगा, लेट्स सी। सबसे पहला है एम, तो एम से दो पोजीशन आगे क्या होता है, ओ। ए से दो पोजीशन आगे होता है सी, और एन से दो पोजीशन आगे जाएंगे तो क्या होगा, एन के बाद ओ एंड देन पी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पी। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो मैन का कोड क्या होगा, ओ सी पी। तो दिस इज़ वन वे जिससे हम वर्ड्स को कोड कर सकते हैं। तो सेकंड कॉन्सेप्ट जो इसमें आता है वो ये है कि ए टू जेड को हम पहले सीधा लिख लेंगे, ठीक है, एंड देन वी विल राइट इट इन रिवर्स। तो इसका क्या लॉजिक है, कुछ क्वेश्चंस में कोड कैसे किया गया होगा, ए को कोड किया गया होगा जेड, यानी स्टार्टिंग से जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसका कोड होगा लास्ट से फर्स्ट अल्फ़ाबेट। बी का कोड जो होगा वो होगा वाई, स्टार्टिंग से दूसरा था और वाई एंडिंग से दूसरा था, ठीक है। उसी तरह से C का कोड X एंड सो ऑन, ठीक है। हम एक बार सीधी ए बी सी डी लिख देंगे एंड एक बार रिवर्स में लिख देंगे, तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि A के नीचे अगर Z आ रहा है तो A का ऑपोजिट होगा Z, B का ऑपोजिट Y, C का ऑपोजिट X, D एंड W, E एंड V, F एंड U, ठीक है, एंड सो ऑन। ये जितने पेयर्स आपको दिख रहे हैं ये सारे एक दूसरे के जो हैं ऑपोजिट हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ तक तो ठीक है, बट इसके आगे जो है रेपिटेशन हो रही है, M का ऑपोजिट N, और यहाँ पर भी सेम चीज़ है, L का ऑपोजिट O, और यहाँ भी सेम चीज़ है, और ये सारा का सारा जो है रिपीट हो रहा है। तो हम इतना लिखेंगे ही नहीं, हमें सिर्फ यहाँ तक लिखना है। यहाँ से सारे ही अल्फाबेट्स का ऑपोजिट हमें पता चल जाएगा। अगर हमें कोड करना है बैट वर्ड को इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग, तो कैसे कर सकते हैं, B के ऑपोजिट होगा Y, ए के ऑपोजिट होगा जेड, और टी के ऑपोजिट क्या होगा, अगर हम यहाँ से देखें टी के ऑपोजिट होगा जी। तो ये इसका कोड हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कार वर्ड है, इसको कोड करना है इसी लॉजिक के हिसाब से, तो कैसे करेंगे, सी के ऑपोजिट होगा एक्स, ए के ऑपोजिट जेड, और आर के ऑपोजिट क्या होगा, यहाँ से हम देख सकते हैं आई। तो कार का जो कोड होगा वो हो जाएगा एक्स जेड आई। नाउ स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि ए टू जेड को नंबरिंग दी जाती है बेस्ड ऑन देयर पोजीशन, जो कि 1 से लेके होती है 26 तक।
तो अब हम कंबाइन कर देंगे इस ऑपोजिट अल्फाबेट्स वाले कॉन्सेप्ट को नंबरिंग वाले कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ इस तरह से लिख लेंगे। तो हम देख सकते हैं टोटल हमारे पास 26 अल्फाबेट्स होते हैं। 26 का हाफ क्या होता है? 13। तो फर्स्ट 13 एलिमेंट्स जो हैं सबसे ऊपर हम लिख लेंगे, जो कि 13 पोजीशन पे M होता है, और 14 से लेकर 26 तक ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये हम नीचे लिख लेंगे रिवर्स ऑर्डर में, 1 से 13 तक सीधा और 14 से 26 तक रिवर्स ऑर्डर में। एक वे तो ये हो सकता है कि इस तरह से हम अल्फ़ाबेट्स को लिख लें और यहाँ से देखें, जैसे डी का कोड हमने देखना है तो क्या क्या हो सकता है? 4 हो सकता है बेस्ड ऑन डी की पोजीशन अल्फ़ाबेट में, ठीक है। साथ ही डी का कोड डब्ल्यू हो सकता है क्योंकि वो ऑपोजिट अल्फ़ाबेट है उसके। साथ ही डी का कोड कुछ क्वेश्चंस में 23 या फिर 2+3 करके 5 भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसी को देखने का एक दूसरा तरीका क्या है, अगर हम ध्यान से देखें जो ऑपोजिट लेटर्स हैं जैसे कि ए और जेड, इनकी जो पोजीशंस हैं यानी 1 और 26, तो इनका जब हम सम करते हैं हमें मिलता है 27। उसी तरह से बी और वाई का कोड देखते हैं, 2 और 25, इनका सम भी करते हैं तो मिलता है 27। उसी तरह से आप कोई भी पेयर उठा सकते हैं, जैसे कि ई और वी है, तो अगर 5 में 22 ऐड करते हैं तो भी 27 मिलता है। तो ये लॉजिक हमें बहुत हेल्पफुल रहेगा कि अगर ऑपोजिट अल्फ़ाबेट निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। दोनों ही अल्फ़ाबेट की जो भी पोजीशन होगी उनका सम हमेशा 27 रहेगा। जैसे जे और क्यू में हम देखते हैं 10 और 17, इनका भी सम 27 होगा। एम और एन का देख लीजिए, 13 और 14, इनका भी सम जो है 27 होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये आप याद रख सकते हैं। तो अब जो क्वेश्चन माइंड में आता है वो ये आता है कि ये पोजीशंस जो है नंबर की ए बी सी डी, यहाँ तक तो सबको याद रहता है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बट उसके आगे कन्फ्यूजन हो सकती है कि कौन सा अल्फ़ाबेट जो है वो किस पोजीशन पे है, इसको कैसे याद रखना है। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको 5 अल्फ़ाबेट्स का कोड जो है वो याद रखना है, और वो भी बहुत ईजी है। एक वर्ड है इजोटी, अगर आप इसको याद रख लेते हैं और ई जे ओ टी और वाई, इन 5 अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन याद कर लेते हैं तो उसे आगे और पीछे वाले अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन निकालना बहुत ईजी हो जाता है। इनकी पोजीशन जो है वो है 5 के मल्टीपल्स में। ई की पोजीशन जो है वो है 5, जे की है 10, ओ की 15, एंड देन 20 है टी की, और वाई की है 25। तो ये 5, 10, 15, 20 एंड 25, तो ये पोजीशंस जो है हमें याद रख लेनी है। अगर हमें टी की पता है 20, तो यू की 21, वी की 22 यहाँ से हम निकाल सकते हैं, और हमें पता है एस जो है टी से पहले आता है तो एस की 19 हो जाएगी। इस तरह से जो पोजीशंस हैं हम याद कर सकते हैं। बाकी कुछ बेसिक पोजीशंस हैं वो तो याद रहती ही है, जेड की 26, ए की 1, साथ ही एम की 13, एन की 14, ठीक है। इस तरह से हम सारी पोजीशंस याद कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। तो इन क्वेश्चंस में क्या किया गया है, एक वर्ड लिया है ब्रिक और उसका कुछ कोड दिया गया है, हमें उसको डिकोड करना है, उसका लॉजिक समझना है, एंड सेम लॉजिक अप्लाई करना है हाउस वर्ड पे, और फिर ऑप्शंस में से चूज करना है कि करेक्ट कौन सा होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर क्या किया गया है, बी के बाद आता है सी, आर के बाद आता है एस, आर 18 पे होता है, एस 19 पे होता है, तो 9th पोजीशन पे होता है आई, उसकी जगह हमने लिख दिया जे जो कि 10th पोजीशन पे होता है। उसी तरह सी के बाद आता है डी और के बाद आता है एल, इन सभी की पोजीशंस में प्लस 1 किया गया है, तो यही लॉजिक हमने हाउस पर भी लगाना है। सो लेट्स सी, एच के बाद आता है आई, ओ के बाद आता है पी, यू के बाद आता है वी, एस के बाद आता है टी, एंड ई के बाद आता है एफ, ठीक है। तो ये हमारा जो कोड है ये सही होगा। ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। लॉजिक क्या लगा, प्लस 1 किया है हर एक अल्फाबेट में। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यहाँ पर क्या किया गया है, बी को सी बनाया यानी प्लस 1 किया, आर को टी बनाया। अगर हम ध्यान से देखें आर से टी पे जाना है तो प्लस 2 किया गया है पोजीशन पे, आई से एल बनाना है, आई के बाद आता है जे के एंड देन आता है एल, यानी प्लस 3 किया गया है। सी को जी बनाने के लिए क्या किया गया है, सी और जी की पोजीशन में देखें तो प्लस 4 है, और के से पी बनाने के लिए अगर हम देखें के की पोजीशन होती है 11 और पी की होती है 16, यानी प्लस 5 किया गया है, तो प्लस
5 लॉजिक क्या लगा है, प्लस 1 प्लस 2 3 4 एंड देन 5। सेम लॉजिक हम लगाएंगे हाउस पर, तो h में करेंगे प्लस 1 तो हमें मिलेगा i, o में करेंगे प्लस 2 यानी 15 से 17 पे जाना है, o का कोड हो जाएगा q, u में करेंगे प्लस 3 तो u से प्लस 3 जाना है यानी u की पोजीशन होती है 21 और उसमें प्लस 3 करें तो 24 पोजीशन पे क्या होता है, u का कोड हो जाएगा x। तो s को कैसे कोड किया जाएगा, प्लस 4 करके, s से प्लस 4 जाएंगे तो हमें मिलेगा w और e के लिए करेंगे प्लस 5, e की पोजीशन होती है 5, उसमें जब प्लस 5 करेंगे तो हमें मिल जाएगा j जो कि होता है 10th पोजीशन पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन 3 में देखते हैं इसका कोड कैसे समझेंगे, b को d कैसे बनाया गया। जब b को d बनाया उसमें किया गया प्लस 2 पोजीशन में। r को p कैसे बनाया गया, r को p बनाने के लिए माइनस 2 करना पड़ा क्योंकि r बाद में आता है 18 पोजीशन पे और p आता है 16, तो यहाँ किया गया है माइनस 2। i को k बनाने के लिए क्या किया गया है, दोबारा देखेंगे प्लस 2। उसी तरह c को a बनाने के लिए माइनस 2, k को m बनाने के लिए प्लस 2। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है, प्लस 2 माइनस 2 देन अगेन प्लस 2 एंड सो ऑन। तो सेम लॉजिक हम लगाएंगे अब हाउस पे। तो सबसे पहले h के लिए प्लस 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा j, o के लिए करेंगे हम माइनस 2 तो o से माइनस 2 जाना है n एंड देन m तो वी गेट m, u से प्लस 2 करेंगे तो u में जब हम प्लस 2 करते हैं वी गेट w, s में जब हम माइनस 2 करते हैं वी गेट q और e में करेंगे प्लस 2 सो वी गेट g। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन b। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लॉजिक लगाया गया है, यहाँ पर डायरेक्टली ऑपोजिट लेटर वाला जो कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, वो लगाया गया है। b के ऑपोजिट होता है y, i के ऑपोजिट होता है r यानी r के ऑपोजिट होता है i, ठीक है, तो ये दोनों का ही कोड कुछ इस तरह होगा। c के ऑपोजिट होता है x और k के ऑपोजिट क्या होता है, p। तो यही लॉजिक हमने हाउस पे लगाना है। तो लेट्स सी, h के ऑपोजिट हम देख सकते हैं s होता है, o के ऑपोजिट होता है l, u के ऑपोजिट f, s के ऑपोजिट h और e के ऑपोजिट होता है v। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन a। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये अल्फाबेट्स वाला कोई भी लॉजिक जो है वो यूज़ नहीं होगा। इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है, फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो एज इट इज़ आ गया, ठीक है, उसके बाद दो दो के पेयर्स में क्या किया गया है, इंटरचेंज, ठीक है, आर को बाद में, आई को पहले, देन सी को बाद में और के को पहले लिखा गया है। सिमिलर लॉजिक हम लगाने वाले हैं हाउस वर्ड पे। तो क्या होगा, पहला अल्फ़ाबेट एज इट इज़ आ जाएगा, सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज किया जाएगा यानी यू पहले ओ बाद में, और फिर इन दोनों को भी इंटरचेंज किया जाएगा, ई पहले और एस बाद में। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पर गिवन वर्ड के ही अल्फाबेट्स को रीअरेंज करके लिख दिया जाता है और हमें उसी अकॉर्डिंग उसका लॉजिक जो है वो समझना होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, ब्रिक का जो वर्ड है इसको उल्टा करके जो है वो लिख दिया गया है, सबसे एंड में बी, देन आर, आई, सी एंड के। तो सेम लॉजिक जब हम हाउस पे लगाएंगे तो इसका कोड क्या हो जाएगा, उल्टा लिख देंगे एच ओ यू एस ई, तो कोड क्या हो गया, ई एस यू ओ एच। तो ऐसा कोड हम ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन 7 में क्या लॉजिक लगाया गया है देखते हैं। ब्रिक को जो कोड करके लिखा गया है, थर्ड अल्फाबेट है उसको एज इट इज़ लिखा गया है, फर्स्ट टू अल्फाबेट्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया है, उसी तरह से लास्ट टू अल्फाबेट्स की पोजीशन को भी इंटरचेंज कर दिया है। सिमिलर लॉजिक हम लगाने वाले हैं हाउस पर, तो देखते हैं। तो जब सिमिलर लॉजिक हम लगाएंगे हाउस पर तो यू जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, एच और ओ की जो पोजीशन है वो इंटरचेंज होगी यानी ओ पहले एच बाद में, और उसी तरह से एस और ई की पोजीशन इंटरचेंज होगी, ई पहले लिखेंगे और एस बाद में। तो हमारा सही ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन डी, ओ एच यू ई एस। तो अभी तक हम देख रहे थे लेटर टू लेटर कोडिंग,
अब हम देखेंगे लेटर टू नंबर कोडिंग। एक वर्ड होगा जिसको नंबर्स की तरह से कोड किया गया होगा, तो उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ब्रिक को कोड किया गया है 29932। तो इस क्वेश्चन का लॉजिक समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ब्रिक वर्ड के जो अल्फाबेट्स हैं इनकी पोजीशन लिख लेते हैं। जैसे कि बी की पोजीशन होती है 2, आर की पोजीशन होती है 18, आई की पोजीशन इज 9, सी की पोजीशन 3 और के की पोजीशन होती है 11। तो अगर हम ध्यान से देखें जो हमारा कोड है उसका इसके साथ कुछ लॉजिक बन रहा है, ज़रूर बन रहा है। कोड में दिया गया था 29932, जो भी टू डिजिट वाली पोजीशंस थी उनके डिजिट्स का सम कर दिया गया है। 1+8 को 9 लिख दिया गया है और 11 के लिए 1+1 2 लिख दिया गया है, और ये जो लॉजिक है इस क्वेश्चन में यूज़ किया गया। उसी तरह से हाउस को कैसे कोड करेंगे, H की पोजीशन होती है 8, O इज 15, U इज 21, S 19 और E की होती है 5। तो जो भी दो डिजिट वाली पोजीशन थी उनका सम कर लेंगे, यानी 8, 1+5 6, 2+1 3, 1+9 क्या होता है 10। बट इस 10 को भी हम 1 लिख देंगे क्योंकि 1+0 1 होता है, और साथ ही ये 5 आ जाएगा एज इट इज़। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 86315, जो कि ऑप्शन बी है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सो लेट्स सी इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। ब्रिक का कोड दिया गया है 43, तो इसमें क्या लॉजिक यूज़ किया गया है, ब्रिक के जो अल्फाबेट्स हैं उनकी नंबर पोजीशंस लिख लेते हैं। बी की होती है 2, एंड देन आर की होती है 18, आई की होती है 9, सी इज 3 एंड के इज 11। तो अगर हम इन सारी पोजीशंस का सम कर देंगे वी गेट 43। ठीक है, उसी तरह से हमें हाउस का कोड करना है। तो हाउस का कोड कैसे मिलेगा, इसके अल्फाबेट्स की पोजीशंस का सम करके। तो H का होता है 8, एंड देन O इज 15, U इज 21, S इज 19 एंड E इज 5। तो इनका जब हम सम करते हैं व्हाट डू वी गेट 68। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 68। आज हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं इसका एक ही मोटिव है कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉजिक्स जो हैं जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं उनको समझें, और बहुत ही बेसिक वाले लॉजिक समझें, सो दैट कल को एडवांस क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस करो तो एटलीस्ट आपके बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या लॉजिक हो सकता है कि अगर हम ध्यान से देखें एक्सेल वर्ड जो है उसमें 2 बार ई आ रहा है फर्स्ट और फोर्थ पोजिशन पर, उसी तरह से इसका जो नंबर कोड है उसमें भी फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे एक ही नंबर दिया गया है, यानी ई का कोड जो है वो 9 है। इसी लॉजिक से एक्स का कोड जो है वो 3 हो जाएगा, सी का कोड हो जाएगा 5 और एल का कोड हो जाएगा 6। सिमिलरली पेंट वर्ड में पी का कोड होगा 7, ए का कोड होगा 4, आई का 1, एन का 2 और टी का कोड होगा 8। इस क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट्स और उनकी पोजीशंस का कोई लॉजिक नहीं है, सीधे जो कोड गिवन है उसी से हमें बताना है एक्सेप्ट वर्ड का कोड क्या होगा। पेंट से हम देखेंगे ए का कोड था 4, एक्सेल से देखेंगे सी का कोड था 5, एक्सेल से ही दोबारा देखेंगे ई का जो कोड था वो था 9, पी का कोड 7 और टी का कोड था 8। अगर हम पेंट का फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट देखें तो वहाँ से हमें ये पता चल जाएगा। तो एक्सेप्ट वर्ड का जो कोड है वो होगा 4, 5, 5, 9, 7, 8। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन 11। ये भी क्वेश्चन 10 की तरह ही है। यहाँ पर ब्रिक वर्ड का कोड दिया गया है, देन हाउस का कोड दिया गया है और हमें बताना है राइज वर्ड का कोड। तो अगर हम देखें आर आई एस एंड ई, ब्रिक से हमें R और I का कोड मिल जाएगा जो कि है 4 और 7, हाउस से हमें मिल जाएगा S और E का कोड जो कि है 6 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 7 6 2, यानी कि ऑप्शन B जो है वो सही हो जाएगा। तो लेटर टू लेटर और लेटर टू नंबर इन दोनों टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस आज हमने देख लिए हैं, तो आई होप आपके बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो मेरी हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी एक ट्राई दिस योरसेल्फ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। दिस इज़ योर क्वेश्चन। क्वांट और स्टडी दो वर्ड्स लिए गए हैं, क्वांट का कोड दिया गया है जिसको आप डीकोड करें, उसका लॉजिक समझें एंड देन सेव।
सेम लॉजिक स्टडी पे अप्लाई करके आंसर बताना है आपने, ए बी सी डी कौन सा सही है, और यह आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट आप इसका लॉजिक भी साथ में लिख के दे सकते हैं। तो आज हमने फर्स्ट टू टाइप्स देख ली, लेटर टू लेटर और लेटर टू नंबर। पार्ट टू जो होगा कोडिंग डिकोडिंग का, उसमें हम ये तीनों ही टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ डोंट मिस दैट लेक्चर, वो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। बाकी आप हमसे यूट्यूब के अलावा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। इनके लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।